तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में, जायसी जी के पूरे 50 यानी कि 50 क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि जायसी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए सर, तो फाइनली मैंने 50 क्वेश्चन जायसी जी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में बताए हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जायसी जी से रिलेटेड जितने भी पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, या जायसी जी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन हैं पूरे 50। तो वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करिएगा, आप अच्छे से वीडियो देखें तो आई कैन गारंटी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरी एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जायसी के गुरु कौन थे? नंबर एक कबीर, बी नंबर खुसरो, सी नंबर मुआउद्दीन और डी नंबर उस्मान। मैं ये बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, पिछले मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड की थी, वो शायद 20 क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन इसमें पूरे 50 यानी 50 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मुआउद्दीन। जायसी के गुरु का नाम था मुआउद्दीन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सारे के बता रहा हूँ आंसर और आप सही से देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे या लगे इंपॉर्टेंट है। तो जायसी कहाँ के रहने वाले थे, अगला क्वेश्चन है। तो नंबर एक है जमशेदपुर, बी नंबर है जहांगीरपुर और सी नंबर है जायस, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जायस। जायसी जी जायस के रहने वाले थे। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन मैं स्लोली पढ़ूंगा तो आई होप टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी भक्तिकाल के किस शाखा के प्रमुख कवि थे? तो नंबर एक है प्रेमाश्रयी, बी नंबर है रामाश्रयी और डी नंबर है सी नंबर है ज्ञानाश्रयी और डी नंबर है कृष्णाश्रयी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, जायसी जी भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरी कलाम किसकी रचना है? ए नंबर है रहीम, बी नंबर है कबीर, सी नंबर है खुसरो और डी नंबर है जायसी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, जायसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जायसी का प्रिय अलंकार कौन है? तो जो जायसी जी का जो प्रिय अलंकार है, ऑप्शन नंबर एक है अनुप्रास, बी नंबर है यमक और सी नंबर उत्प्रेक्षा और डी नंबर है श्लेष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, उत्प्रेक्षा। जायसी जी का जो प्रिय अलंकार वो है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना? नंबर एक रहीमदास, बी नंबर रसकांत, सी नंबर कबीर और डी नंबर जायसी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा कि जायसी जी के बारे में आज किस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जायस का पूर्व नाम क्या था? नंबर एक अभय, बी नंबर निशान और सी नंबर है पवन और डी नंबर है उगधान। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर उगदान, जायस का जो पूर्व नाम था वो था उगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जायसी के किस ग्रंथ में सात चौपाई के बाद एक दोहा? नंबर एक पद्मावत, बी नंबर है अखरावट और सी नंबर है होलीनामा, डी नंबर है आखिरी कलाम। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? नंबर एक ठग, बी नंबर शैतान और सी नंबर है बहुरुपिया और डी नंबर है माया। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, शैतान। पद्मावत में राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अतिरिक्त जायसी ने किस शासक की प्रशंसा की थी? नंबर एक बाबर, बी नंबर अकबर, सी नंबर जहांगीर, डी नंबर हुमायूं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, बाबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस कृति में ईश्वर भक्ति की प्रति प्रेम निवेदन है? नंबर एक कहरानामा, बी नंबर है मसलनामा, सी नंबर पद्मावत और डी नंबर है अकरावट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, मसलनामा में ईश्वर की भक्ति की प्रेम निवेदन है, ठीक है, प्रति प्रेम निवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररेखा किसकी रचना है? नंबर एक हुमायूं, बी नंबर उस्मान, सी नंबर जायसी और डी नंबर खुसरो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावती जो प्रतीक है वो है किसका, शरीर का। इसलिए राइट आंसर इसका, सॉरी, शरीर नहीं है इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, परमात्मा का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागमती और रत्नसेन किस कृति के पात्र हैं? नंबर एक पद्मावत, बी नंबर अखरावत, सी नंबर है चित्र रेखा और डी नंबर है कन्हावत। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मावत, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी किस जात की थी? नंबर एक मुसलमान, बी नंबर ब्राह्मण, सी नंबर दर्जी और सी नंबर दर्जी और डी नंबर है दुनिया। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मुसलमान, झांसी जी मुसलमान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड किस कृत की अनुपम विधि है? नंबर एक अखरावट, बी नंबर चित्ररेखा, सी नंबर मसला नामा और डी नंबर है पद्मावत, ठीक है। तो यहाँ पर ए नहीं, मात्रा नहीं लगी, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइप करने में एक दो वर्ड इधर उधर मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा पद्मावत, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की किस कृत में शेरशाह का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक है पद्मावत, बी नंबर अखरावत, सी नंबर चित्ररेखा और डी नंबर है कान्हावत। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की क्रूरता को देखकर कौन हंसा था? नंबर एक ऑप्शन है बाबर, बी नंबर व्यापारी, सी नंबर ब्राह्मण और डी नंबर है शेरशाह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शेरशाह सूरी ने क्रूरता को देखकर हंसा था, ठीक है, झांसी की क्रूरता को देखकर हंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे मुख देखा ते हंसा सुना तो आए आंसू, पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर तो होना चाहिए, तो हो गया है, ठीक है, तो है, ठीक है। नंबर एक है खुसरो, बी नंबर झांसी, सी नंबर उस्मान और डी नंबर शेख नबी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में सिंगल किसका प्रतीक है? नंबर एक आस्था, बी नंबर हृदय और सी नंबर हीरा, डी नंबर चांदी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, पद्मावत में सिंगल है वो हृदय का प्रतीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पद्मावत में कुल कितने कांड है? नंबर एक है 60, बी नंबर 40 और सी नंबर है 25, डी नंबर है 15। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी नंबर 25। झांसी के पद्मावत में जो कुल खंड की संख्या है वो है 25, यानी 25, खंड की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? नंबर एक हीरामन, बी नंबर उस्मान, सी नंबर सैयद अशरफ और डी नंबर है खुसरो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सैयद अशरफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, झांसी किस काल के अंतर्गत आते हैं? नंबर एक रीत काल, बी नंबर भक्ति काल, सी नंबर वर्तमान और डी नंबर है आदिकाल। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि जो भी क्वेश्चन टाइप करने में मिस हो गया तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, यह मत सोचिएगा कि सर ने इसमें गलत टाइप किया, मैंने सही टाइप किया, लेकिन वो हो जाता है कुछ मिस्टेक। यहाँ पर वर्तमान थोड़ा मात्रा नहीं लगी ए की, ठीक है, यहाँ पे तो मैनेज कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका मैंने बता ही दिया है, बी नंबर हो जाएगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के गुरु का नाम क्या था? नंबर एक शेख नबी, बी नंबर खुसरो और सी नंबर है उस्मान, डी नंबर है शेख मोहिदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, शेख मोहिदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीरीज में, किस रोग के कारण झांसी की एक आंख खराब हो गई? नंबर एक डायरिया, बी नंबर दमा, सी नंबर चेचक और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, चेचक की वजह से इनकी आंख खराब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना काल क्या है, यानी कि पद्मावत किस वर्ष में रची गई थी, किस वर्ष इसकी रचना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है 1852 और बी नंबर है 1750, सी नंबर 1644, डी नंबर है 1540। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर 1540। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं भाग रहा हूँ, आप बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी है तो आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी वर्ड इधर उधर मिस्टेक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में चित्तौड़ किसका प्रतीक है? ए नंबर है मन, बी नंबर है वाणी, सी नंबर शरीर और डी नंबर है कर्म। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी जी ने अपने पूर्व लिखे गए कितने मुख्यानों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर एक है 9, बी नंबर है
12 और सी नंबर 4 और डी नंबर है 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। ठीक है, जो टोटल संख्या है प्रेम आख्यानों की वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसला नामक किसकी रचना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, जायसी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो नंबर एक है 5, बी नंबर 3 और सी नंबर 7 और डी नंबर है 5। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। सॉरी, इसमें 4 फिलहाल नहीं, लेकिन जो संख्या है वो 4 की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। जो रामचंद्र ने जायसी रचित कितने ग्रंथ माने हैं वो 4 माने हैं। फिलहाल मैं करेक्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ राइट आंसर इसका क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सॉरी, वो जो गलती से हो गया, मिस्टेक है, वो 3 नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3। जायसी रामचंद्र शुक्ल ने जायसी जी की जो रचित ग्रंथ है वो 3 माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पद्मावत क्या है? नंबर एक सर्ग, बी नंबर उपसर्ग और सी नंबर खंड और डी नंबर है कांड। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, सॉरी, इसका हो जाएगा खंड, खंड। ठीक है, सी नंबर खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मानसर चाहा सोपाई पारस रूपी यहाँ लगी आई, पंक्ति किसकी है? नंबर एक कुतुबुद्दीन, बी नंबर शेख नबी, सी नंबर है उस्मान और डी नंबर है जायसी। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही है, इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जायसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नसेन कहाँ का राजा था? नंबर एक इंदौर, बी नंबर झांसी और सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर है चित्तौड़। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, चित्तौड़। ठीक है, डी नंबर चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के पिता का क्या नाम था? पद्मावती के पिता का क्या नाम था? नंबर एक कुमार सेन, बी नंबर गंधर्व सेन और सी नंबर है राणा रतन और डी नंबर है रत्न सेन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, गंधर्व सेन, पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस कृत में भूकंप पर सूर्य ग्रहण का चित्रण किया गया है? नंबर एक आखिरी कलाम, बी नंबर है सोरठ, सी नंबर है जपजी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आखिरी कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररेखा की कथा में किस नगर का वर्णन है? नंबर एक तारपुर, बी नंबर रामनगर, सी नंबर चांदपुर और डी नंबर है चंद्रपुर। तो चांदपुर और चंद्रपुर दो हैं, चांदपुर और एक चंद्रपुर, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, चंद्रपुर। ठीक है, चित्ररेखा की जो कथा में किस नगर का वर्णन है वो है चंद्रपुर का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररेखा किसकी पुत्री है? तो चारुमती, चंद्रलेखा, सूर्यलेखा, रूपलेखा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, रूपरेखा। ठीक है, चित्ररेखा रूपरेखा की पुत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नंबर एक है उर्दू, बी नंबर है पूर्व अवधि और सी नंबर है फारसी, डी नंबर है ब्रज भाषा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, पूर्वी अवधि भाषा में है पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? जायसी किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? नंबर एक खुसरो, बी नंबर निजामुद्दीन औलिया और सी नंबर है हाजी बाबा और डी नंबर है शेख नबी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस कृत को लघु प्रेमाख्यानक कहा जाता है? तो नंबर एक है कहरावत और बी नंबर है चित्ररेखा और सी नंबर है पद्मावत और डी नंबर है अखरावट। तो जो जायसी की कृति लघु प्रेमाख्यानक है, ठीक है, उसमें जो कहा जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्ररेखा, बी नंबर। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस कृत में कयामत का वर्णन है? नंबर एक अखरावट, बी नंबर है कहरानामा और सी नंबर है आखिरी कलाम और डी नंबर है पद्मावत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सी नंबर आखिरी कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पद्मावत में सुबह या हीरा मन तोता किसका प्रतीक है? नंबर एक गुरु, बी नंबर एसएस और सी नंबर है ग्रंथ और डी नंबर संदेश। वाह, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर गुरु। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो स्टूडेंट वीडियो अभी देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन और भी बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरी कलाम के किस फरिश्ते ने अपने नाद से संसार को उड़ा दिया? नंबर एक जिब्राइल, बी नंबर अजराइल और सी नंबर है मकाइल और डी नंबर है इसराफील। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर इसराफील। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में बाबर को छत्रपति कहा गया? नंबर एक होलीनामा, बी नंबर है मैनावत और सी नंबर है पोष्टीनामा, डी नंबर है आखिरी कलाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम ग्रंथ में बाबर को छत्रपति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? नंबर एक है अकरावट, बी नंबर है पद्मावत और सी नंबर है सोरठा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर पद्मावत। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया वो है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग जायसी ने किस काव्य परंपरा के अंतर्गत किया है? नंबर एक कृष्ण काव्य, बी नंबर राम काव्य और सी नंबर है सूफी काव्य और डी नंबर है संत काव्य। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूफी काव्य। ठीक है, सूफी काव्य के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? नंबर एक है फारसी, बी नंबर है ब्राह्मी और सी नंबर है देवनागरी और सी नंबर है देवनागरी, डी नंबर है गुरुमुखी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर फारसी में है। ठीक है, हस्तलिखित प्रतियां जो मिली हैं वो फारसी लिपि में मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का पूरा नाम क्या था? नंबर एक शेख खान और बी नंबर है खान खाना, सी नंबर मलिक मोहम्मद जायसी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो से पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जायसी का जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर। ठीक है, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सखरावत, चंपावत, इतरावत किसकी कृति है? नंबर एक नूर मोहम्मद, बी नंबर जायसी, सी नंबर शेख निसार और डी नंबर है उस्मान। तो राइट आंसर इसका आपको मालूम ही है, बी नंबर हो जाएगा जायसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो रट लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो नंबर एक है पाँच, बी नंबर है आठ और सी नंबर है बारह, डी नंबर है सात। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है। ठीक है, तो जायसी के पद्मावत में जो संख्या अर्धालियों की दोहा के बाद है वो है सात, सात। ठीक है, जायसी के पद्मावत में सात अर्धालियों के बाद दोहा है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये सारे वीडियो में क्वेश्चन जितने भी थे सारे क्लियर हो गए होंगे आपके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सही से वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से पुनः आप वीडियो रिस्टार्ट से देख लीजिएगा, जिससे जायसी जिससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। ये सारे जो क्वेश्चन आज के वीडियो मैंने बताए हैं सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा ये टॉप 50 क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि 50 मैंने वेबसाइट पर भाई अपलोड कर दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, जहाँ पर लिखा होगा वेबसाइट
संदीप www.sandeepinfo.com जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन और आंसर सहित दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पर और भी लेखक का विषय रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल है, आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी है क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं। तो जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शाम को 7 बजे आप रेडी रहिएगा। आज थोड़ा क्लास लेट हुई है, लेकिन डेली मैं 7 बजे अपलोड कर देता हूँ क्लास वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।